मैं आप कास राजा और आप देख रहे हो कास राजा 786 मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं छोटी सी वीडियो के साथ आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ। आज मैंने बनाए हैं आलू और कोफ्ते और साथ में बीच में अंडा। आलू मैंने बाज़ार से लिए, जिसे हम हिंदी में पोटैटो कहते हैं, और कीमा मैंने वो भी बाज़ार से लिया है। और मैंने ये कीमा लिया है अपना गाय का कीमा लिया है, उसको मैंने कीमा दे के उसको कोफ्ते बना के, और ये मैंने आलू कोफ्ते बनाए हैं। बड़ा ये भी सर्दियों की सुगात है। और साथ में मैंने बनाई है घी वाली रोटी, जिसे हम कहते हैं घी वाला पराठा, देसी घी वाला है, ये सूफी या कोई होली है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको ये आपके मुँह में पानी लाना नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि आपको दिखाओ कि ऐसी चीज़ें बनाओ घर में खाने के लिए। आजकल की नौजवान नस्ल है जिसमें फीमेल और मेल ज़्यादा जिंगर बर्गर शुआर में ये KFC मैकडोनल्ड्स ये खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहे। ये हमारे बड़ों की बड़ों ये कहते थे कि घर का खाना खाना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें उन्होंने घर का ही हमेशा खाना खाया। कभी कभार दिल कर पड़ता है कि बंदा जो ना बाहर खाना खा लेता है, लेकिन फास्ट फूड नहीं खाता मैं, देसी बाज़ार से भी खाऊँगा तो देसी खाऊँगा, ठीक है। और मैं आपको ये एक रवाना लगा कर दिखाता हूँ, मेरे मुँह में तो यकीन मैं मेरा सबर नहीं हो रहा। तो अभी फिर भी मैं जो मेरा ये कैमरा मार है ना वो बड़ा डाटा है, तो इसी की वजह से मैं जो ना थोड़ी सी गलती भी करता हूँ। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अब समझ लिया तीन चीज़ें एक सालन में तीन चीज़ें तो किसके साथ खाओ। पहले तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ कीमे के कोफ्ता, ये देखे गोल गोल कोफ्ता मेरे से कैसे कोफ्ते बने मैंने बना दिए। बिस्मिल्लाह यार यकीन माने इतना आला बना है मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये इससे पहले कि ये ठंडा आ जाए मैं पहले खा लूँ। अगर आप तब तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे ज़्यादा दीजिए वकास अगर 786 मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे ज़्यादा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।